हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। नमस्कार, तेहरादून व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हो ये मेरा फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मैं आया था मानोसिद्ध मंदिर जो कि देहरादून में ही है। आप देख सकते हो प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये बहुत ही प्यारा भोलेनाथ जी का मंदिर है। आप भी दर्शन कर सकते हैं, 4 सिद्धपीठ में से एक है। जय हो भोलेनाथ जी की। तो साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप तक मैं एक संदेश पहुंचा पाऊं। एक तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया। मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं यूट्यूब में, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। और आप सामने देख सकते हैं छोटे छोटे पप्पी और उनकी माँ, ये स्ट्रीट डॉग हैं, इनका कोई ख्याल नहीं रखता। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इस यूट्यूब चैनल से कुछ अच्छा सा अर्निंग कर पाऊँ तो इनके लिए मैं कुछ खाने को लिख पाऊँ, और अगर इन फ्यूचर में कुछ और अच्छा हो जाए तो मैं इनके लिए कुछ शेड बना पाऊँ, चाहे ये बच्चे हों या फिर जैसे गायें होती हैं जो गांव वाले या जो भी उन्हें पालते हैं, जब वो दूध नहीं देती तो उन्हें छोड़ देते हैं। तो मेरा मोटो ये रहेगा कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ और ये सब खुश रहें। इसी तरह से आप देख सकते हो ये कितना प्यार दिखा रहे हैं, इन्हें और कुछ भी तो नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ हमारा प्यार चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहूँगा प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। साथियों, अगर आप भी एनिमल लवर हैं, आप भी इन जानवरों को प्यार करते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपने कौन सा एनिमल अपने घर में रखा हुआ है। सिटी में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे पता है इन्हें रखने के लिए, क्योंकि इन्हें फ्रेश कराने के लिए ले जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, लेकिन होता है। आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होगा मैं इनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि इनके लिए मैं शेड बना पाऊँ जिसमें ये इन्हें रख पाऊँ, सर्दी गर्मी से ये बच पाएँ, चाहे ये हों चाहे गायें हों या और भी जो भी पालतू जानवर है जिन्हें सरकार रखने की परमिशन देती है, तो उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और दोस्तों, आप भी इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और दोस्तों, आप देख सकते हो ये सब कितना खुश हैं, इनको खाना मिल रहा है तो इसीलिए ये बहुत खुश हैं। देखिए, जो हाइब्रिड होती है डॉग की, वो आपको मालूम है, उन्हें तो हर कोई परचेस करता है यानी ख़रीदता है, और इन्हें स्ट्रीट डॉग को कोई नहीं इतना ख्याल रखता है, तो ये बेचारे बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी हेल्प कर पाऊँ, और मुझे मालूम है बहुत से लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी इनको सपोर्ट करना चाहेंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मैं इन्हें सपोर्ट करूँगा, और ये भी खुश रहें क्योंकि इन्हें भी जीने का पूरा हक है दोस्तों। इन्हें भी भगवान ने इस धरती पर भेजा है, तो ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम भी इनकी कुछ केयर करें। इन्हें और कुछ नहीं चाहिए, आपको मालूम ही है, ये सिर्फ इन्हें खाना चाहिए, इन्हें और किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। और गाइज़, आप जानते ही हैं ये कि अपने मालिक के लिए कितने वफ़ादार होते हैं, आपको मालूम ही है। स्ट्रीट डॉग भी अगर आपकी गली में कोई रहता होगा तो आप देखते ही होंगे वो किसी को भी अनजाने व्यक्ति को नहीं आने देता आपके एरिया में। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। और जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है, अगर कोई आपको ऐसे इन कुत्ते को मारते हुए दिखाई दे तो प्लीज़ आप उन्हें रोकें और ऐसा ना करने दें। दोस्तों, अगर आप भी एनिमल लवर हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे को, और क्या आपको ये मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं तो इस एनिमल लवर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी का भी डॉगी हो, कोई भी हो या कोई सा भी जानवर हो, तो मुझे तो उनके साथ खेलने में, उनको प्यार करने में बहुत अच्छा लगता है। अब कितने मासूम से हैं आप देख सकते हो, मेरे साथ बिल्कुल चिपक गए, ये मेरे को जानते भी नहीं थे। मैं यहाँ से इनसे सेकेंड टाइम मिला हूँ, फर्स्ट टाइम पर मैंने इनकी शॉर्ट वीडियो डाली थी तो मुझे फिर अच्छा लगा इनके पास आना। तो मैं मंदिर आया था तो मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए भी लेके आया, फ़र्स्ट टाइम पर मेरे पास नहीं था कुछ, तो इस बारी मैं इनके लिए कुछ लेके आया हूँ, और इन्हें खिलाकर इनके साथ बैठकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हो वो कैसे प्यार कर रहा है, वाइट वाला डॉगी। चलियो
मुझे। गाइस अब इन्होंने खाना खा लिया है, अब ये सोने की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने अपने घर में एक डॉगी रखा है जिसका नाम भोलू है, और एक माऊ रखी है यानी कैट जिसे बोलते हैं बिल्ली। थैंक यू सो मच, आपने मेरे 1K सब्सक्राइबर यानी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए। थैंक यू सो मच। और आप देख लो ये सब बड़ी खुश है, तो प्लीज़ ये भी ऐसे ही खुश रहें तो इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं इनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। ये देखिए तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।